डियर स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों का अप्रोच आईएएस में स्वागत है। पिछले दिनों हम लोग आर्ट एंड कल्चर के लेक्चर जो है आपके पास भेज रहे थे और हम लोग पढ़ रहे थे आर्ट एंड कल्चर के रिलीजन और हम लोग बौद्ध जैन के प्रिय स्तर पे कुछ प्रश्न भी किए, तो वो तो चलता रहेगा। अब इसी के साथ कुछ बच्चों के डिमांड पर और मेरा भी कहीं ना कहीं मन था कि इकोनॉमी जो है प्रिय स्तर पे मैं भी शुरू करूं। कुछ बच्चों ने कहा भी कि सर, प्रिय स्तर पे कुछ समस्याएं आ रही हैं, थोड़ा बताइए कैसे पढ़ा जाए और एक शुरुआत भी कीजिए सर। तो मैंने कहा कि चलिए मिलते हैं आपसे, तो वो चलता रहेगा। और इसके साथ और मैंने बोला भी था आपसे, बीच में मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी पिछले एक सप्ताह से, हालांकि कुछ हुआ नहीं है विशेष। अब इकोनॉमी जो है ये महत्वपूर्ण क्यों है? अब पता है कि जितने भी ह्यूमैनिटी के बच्चे होते हैं तो उनका जनरली हिस्ट्री और इकोनॉमी, ये पॉलिटी जो सेक्टर है उस क्षेत्र में, उस जो है भाग में, वो ज़्यादा अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं। हालांकि वहाँ भी समस्याएं हैं तकनीकी रूप से, लेकिन ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट में, मानविकी जो सब्जेक्ट है, विषय है, उसमें अर्थशास्त्र और जो अर्थव्यवस्था का क्षेत्र है, वहां वे अपने आप को ज्यादा जो है डिसकंफर्टेबल फील करते हैं। प्री में सबसे बड़ा जो हर्डल है हिंदी माध्यम के बच्चों का, वो है एनवायरमेंट इकोलॉजी और मुझे लग रहा है इकोनॉमी। ये दोनों ऐसा सेक्टर है, कई बार बच्चे कहते हैं कि मेरी इकोनॉमी अच्छी है सर, लेकिन जब सवाल देखते हैं एग्जाम में, जब एग्जाम देके आ रहे हैं तो बता रहे हैं कि सर ये समस्या है, मुझे समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो हम लोग बात करेंगे एक रणनीति पर, कैसे पढ़ा जाए, सिलेबस क्या है और कौन से स्रोत हो, इस पे चर्चा किया जाए। और इन सबको मिलाने के बाद हम लोग फिर आगे देखते हैं कि क्या हो। देखिए, सबसे पहले जो सिलेबस है यूपीएससी में, सिलेबस को देखिए, तो सिलेबस बहुत संक्षिप्त में दिया हुआ है। सिलेबस क्या है? जैसे इंक्लूजन, देखिए सिलेबस में जो है वो है इंक्लूजन, इंक्लूजन समावेशन। देखो आप लोग एक चीज ध्यान देना, इकोनॉमी हिंदी और इंग्लिश, हम लोग इंग्लिश टर्म को भी देखेंगे और जब इंग्लिश हिंदी के साथ इंग्लिश भी, नहीं तो साइंस हो, ज्योग्राफी हो, एनवायरमेंट हो, इकोनॉमी हो, इंग्लिश भी देखने का प्रयास किया जाए, नहीं तो समस्या हो जाएगी, है ना। और ये ज्यादा कंफर्टेबल फील कीजिएगा, ऐसा नहीं कि हिंदी नहीं देखेंगे। दूसरा है जो पॉवर्टी, गरीबी देखना, डेमोग्राफी, डेमो जनांकीय, इसके बाद सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स, सामाजिक क्षेत्र, ये जो प्रयास है या प्रयत्न है। अब आप देखना, ये जो सिलेबस है यूपीएससी कोई भी सिलेबस अगर प्रस्तुत करती है, अगर रखती है, तो बहुत ज्यादा जो है वो सारगर्भित होती है, उसका रीजन है। ये इंक्लूजन समावेशन का मतलब क्या है? आप शब्द भी देखते हैं,
फाइनेंशियल इंक्लूजन, एक शब्द देखे होंगे आप, फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन। जब फाइनेंशियल इंक्लूजन देखते हैं तो क्या है, इसको क्या कहते हैं, वित्तीय समावेशन कहते हैं ना। जब हम लोग पढ़ते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन, इसका मतलब क्या है, सब तक विकास जो है बैंकिंग सुविधाओं की पहुंच हो। जानते भी होंगे आप लोग, अधिकांश लोग, तो ये जो समावेशन का मतलब क्या है, ये विकास की पहुंच सब तक हो। इसको आप ऐसे भी डाल सकते हो, डेवलपमेंट, ग्रोथ। अब देखो डेवलपमेंट में भी बहुत सारा, कैसे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी हो सकता है, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास। जानते होंगे एक ऐसी विकास की धारा जो न केवल अभी अपितु भविष्य को ध्यान में रखते हुए विकास किया जाए, जिसमें पर्यावरण को भी ध्यान में रखा जाए। यहीं से है ग्रीन डेवलपमेंट, 2019 में आया भी सवाल, इसको क्या है, हरित विकास। एक शब्द आता है ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास, ये है। और इससे रिलेटेड जितने भी चीजें हैं वो सारे पढ़ने हैं जो सिलेबस है यूपीएससी का। पॉवर्टी, गरीबी, सरकार ने गरीबी से रिलेटेड इसके रीजन हैं, सरकार ने जो प्रयास किए, जो इनिशिएटिव है, सरकार के जो भी इनिशिएटिव है, जो भी की है सरकार, ये डेमोग्राफिक, इसमें क्या आ जाएगा, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है। फिर देखिएगा सेंसस डाटा, ये है, इसमें क्या आ जाएगा, सरकार ने जो प्रयास किया है, चाहे वो सोशल सेक्टर में, हेल्थ में, एजुकेशन में, सैनिटेशन में, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सरकार ने जो प्रयास किए हैं, इसमें क्या आ जाएगा, प्रोग्राम्स, स्कीम, ये सब आ जाएंगे इसमें। तो सबसे पहले आपको किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के पहले उसके सिलेबस पे गौर करना, उस सिलेबस को दिमाग में बैठाना, क्योंकि जब तक आपको सिलेबस नहीं पता होगा कि पढ़ना क्या है, आप न्यूज पेपर भी जब पढ़ोगे तो पता तो होना चाहिए ना कि सिलेबस है क्या, तुरंत हंट करेगा कि वो स्कीम है, इसका मतलब इकोनॉमिक्स में आएगा। तो ये सिलेबस है, ये तो यूपीएससी ने दिया, एक बहुत संक्षिप्त चीज है। हम लोग पहले क्या करेंगे, इसको डिटेल में, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं, वो तो आप जैसे आप अध्ययन करोगे तो वहां पे आ जाएगा। ये देखिए सबसे पहले जो है आप देखने का प्रयास करो वो क्या है, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू, इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था से
संबंधित संकल्पनाएं, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि बेसिक इकोनॉमी, बेसिक इसमें बेसिक चीज जो है वो आपको पता होना चाहिए कि बेसिक इकोनॉमी में है क्या, ठीक है, क्या चीज है बेसिक इकोनॉमी में। तो सबसे पहले देखिएगा, हम लोग यहीं पे पढ़ने का प्रयास करेंगे कि डेवलपमेंट वर्सेस ग्रोथ। तो डेवलपमेंट वर्सेस ग्रोथ का मतलब क्या है, हिंदी में क्या कहेंगे, विकास और समृद्धि, विकास और समृद्धि। फिर बात करते हैं क्या, अब इसमें बहुत सारे डायमेंशन है और इसमें दोनों मिलाकर जैसे आप कह सकते हो इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। हम लोग सतत विकास की बात करेंगे, हम लोग बात किसका करेंगे, फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करेंगे, वित्तीय समावेशन की बात करेंगे। फिर हम लोग बात क्या करेंगे, ग्रीन इकोनॉमी की बात करेंगे, हरित विकास। यहां पे हम लोग, क्योंकि मैंने अर्थशास्त्र लिखा है और हम लोगों को मैक्सिमम जो पढ़ना है वो पढ़ना है इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, लेकिन यहां पे शास्त्र के बारे में भी जानेंगे, जैसे डिमांड एंड सप्लाई, ये बाद में बहुत मिलेगा, मांग एवं पूर्ति क्या है, जब ये मांग और पूर्ति आएगा तो इसी में बहुत सारे कई बार सवाल आते हैं। और यहां एनसीईआरटी काम देगा, बताएंगे बाद में। फिर कॉन्सेप्ट, जब ये मांग पूर्ति पढ़ोगे तो बहुत सारी चीज यहीं पे आएगा। फिर देखिएगा, फिर हम लोग पढ़ेंगे सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, अर्थशास्त्र के क्षेत्र कौन कौन से हैं, ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र। देखिए कई बार होता क्या है, जब आप पढ़ते हो तो कई बार लगता है कि ये तो बहुत आसान चीज है, ये पढ़ने की जरूरत क्या है, ये तो बन जाएगा। एक बार आया क्लोज्ड इकोनॉमी क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। जब आप मिश्रित अर्थव्यवस्था पढ़ोगे तो आएगा प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर का कॉम्बिनेशन है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, तो ये कहां आएगा, ये पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर, ये कहां आएगा, ये क्षेत्र में आएगा। फिर जब पढ़ोगे क्या, नेचर, नेचर ऑफ इकोनॉमी, ये कहां से आएगा, अर्थव्यवस्था के प्रकृति, प्रकृति कहां आएगा, तो नेचर मिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट समाजवादी, कैपिटलिस्ट कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, पूंजीवादी, ये सब आएगा। कई बार चीजें बहुत आसान होती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आसान चीज भी है क्या, मांग की लोच क्या है, बहुत सिंपल चीज है, लेकिन ये पता होना चाहिए तब आप जाकर इकोनॉमिक के लेवल पे आप अच्छा कर सकते हो। फिर यहीं पे हम लोग देखेंगे
नेशनल इनकम यही देखेंगे, राष्ट्रीय आय। फिर यही पे हम लोग देखेंगे कुछ क्या टर्मिनोलॉजी, कुछ कुछ शब्दावली देखेंगे हम लोग यहां। कुछ शब्दावली क्या है, तो ये जो है ये बेसिक है, मैं एकदम बेसिक बता रहा हूं, और भी चीजें हैं। लॉ ऑफ एंजल, एंजल का नियम क्या है, फिर साइमन कुजनेट्स लॉ, साइमन कुजनेट्स के नियम क्या है, ये सारी चीजें हैं जो कई बार आ जाता है, ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे। फिर देखिए जो सेकंड टॉपिक है जो हमें पढ़ना है, और ये इंटरेस्टिंग है आपके जीवन से। देखिए इकोनॉमी जो है, आपके इकोनॉमी जो अर्थव्यवस्था है आपके जीवन से ज्यादा जुड़ा हुआ है, और इसको उदाहरण से मैं बहुत ही बेहतर तरीके से आपको समझाऊंगा। देखिए सेकंड जो टॉपिक है क्या है वो, उसमें हम लोग देखेंगे, देखिएगा इन्फ्लेशन, मनी इन बैंकिंग, एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट यानी मुद्रास्फीति, मुद्रा एवं बैंकिंग और विनिमय दर, विनिमय दर इसको रखा जाएगा एक, ये इसलिए कि ये कोरिलेट है सब, इसलिए हम लोग जो है इसको एक साथ देखने का कार्य करेंगे। अब देखिए इसी में हम लोग एक जोड़ लेंगे शेयर मार्केट, ये छोटा टॉपिक है, ज्यादा नहीं पढ़ना है, है तो बहुत बड़ा, हम लोग को बेसिक चीज पढ़ना है इसके बारे में। अब यहां देखिएगा, जब आप देखोगे फाइनेंशियल मार्केट, जब आप फाइनेंशियल मार्केट देखोगे तो फाइनेंशियल मार्केट में क्या है, वित्तीय बाजार। अब वित्तीय बाजार दो प्रकार के हैं, एक क्या है मनी मार्केट और दूसरा क्या है कैपिटल मार्केट। मुद्रा बाजार, और मुद्रा बाजार में क्या आएगा बैंक, और कैपिटल मार्केट में क्या आएगा शेयर मार्केट। तो हम लोगों को जो यहां देखना है ये आप मुद्रा बैंकिंग प्लस शेयर मार्केट, यानी आप कह सकते हो टोटली फाइनेंशियल मार्केट, क्योंकि बैंक में भी मनी की बात होगी, मुद्रा में भी मनी की बात हो रही है, इन्फ्लेशन भी वही है, एक्सचेंज विनिमय दर रुपए का गिरना बढ़ना, डिवेल्युएशन रिवेल्युएशन ओवर वेल्युएशन ये सब क्या है, शेयर मार्केट में भी ये सब मनी से रिलेटेड है, हालांकि पूरी इकोनॉमी ही मनी है, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये कोरिलेट है एक दूसरे से, तो हम लोग इसको पढ़ेंगे एक साथ। फिर हम लोग आगे आते हैं, अब हम लोग देख रहे थे टॉपिक नंबर थर्ड, जो टॉपिक था वो है सोशल एस्पेक्ट्स, जो सामाजिक पक्ष से संबंधित है, यानी सोशल इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, सामाजिक आर्थिक पक्ष, ठीक है।
क्या है? सोशल एस्पेक्ट्स, जैसे पॉपुलेशन, डेमोग्राफी है भी, इसमें क्या पढ़ना है? इसमें जो पढ़ना है आपको, देखिए अगर पूछा क्या डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है, जनांकीय लाभांश, पता है हमारे यहां अधिकांश जनसंख्या युवा है, कई बार निकलता है पेपर न्यूज़पेपर में, और ये इन युवाओं को अगर रोजगार न उपलब्ध हो तो क्या कहलाएगा? डेमोग्राफिक डेंजर। इसमें क्या पढ़ना है? सेंसस डाटा, ये सब जो है नियम भी है, माल्थस लॉ वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। पॉपुलेशन के बाद जब आप देखोगे तो यहां पे क्या है? पॉवर्टी, गरीबी। गरीबी में बहुत सारे टॉपिक हैं, सरकार ने जो स्कीम चलाया है वो सारे हैं, फिर सिलेबस में भी है। फिर है अन एम्प्लॉयमेंट, ये टॉपिक नंबर 3 है। जब आप हम लोग पढ़ेंगे यहां पे तो कोरिलेट करके कंपेयर करके, जैसे पिछले 5 साल में गरीबी बढ़ी है, सापेक्ष गरीबी, निरपेक्ष गरीबी, पता ही है निरपेक्ष जो गरीबी होता है या सापेक्ष, तो सापेक्ष गरीबी क्या होता है कि स्टेट से कंपेयर किया जाता है, एक क्षेत्र से, एक देश का दूसरे देश से, और निरपेक्ष क्या होता है? एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब है पॉवर्टी लाइन खींचा जाता है कि एक मानदंड है, क्राइटेरिया है, इससे ऊपर जो भी है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा जो है निरपेक्ष। तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट है, आइए इसमें सवाल भी आया, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, जो एग्रीकल्चर में पाया जाता है, अदृश्य या प्रचन्न बेरोजगारी शब्द आया, प्रचन्न बेरोजगारी क्या है, सबसे सवाल है। हम लोग जब इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो अपने आप आएगा कि क्या पूछा है, क्या पूछेगा, क्या चर्चा मिला। तो ये जो है पक्ष हम लोग पढ़ने का कार्य करेंगे। इसके बाद देखिएगा जो नेक्स्ट है वो है, आप देखिएगा 4 नंबर टॉपिक है, वो है फाइनेंस। इसमें हम लोग बजट, टैक्सेशन, करारोपण और बजट, इनको पढ़ने का कार्य करेंगे। इसमें ही आ जाएगा क्या टैक्स में, जैसे जीएसटी, एफआरबीएम एक्ट, फाइनेंस कमीशन, 15th का रिकमेंडेशन, 14th का, तो ये सारे जो है आपको आ जाएंगे। सारे सवाल लगातार आते हैं। बजट करंट का भी टॉपिक है जब इकोनॉमिक सर्वे और बजट पढ़ेंगे तो, लेकिन बजट का जो ट्रेडिशनल पार्ट है यहाँ हम लोग पढ़ेंगे, जो परंपरागत जो कन्वेंशनल पार्ट है उसको यहाँ पढ़ने का कार्य करना है। टैक्सेशन में यहां टैक्स स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, यानी कर संरचना, फिर बजट में जो है जैसे 2020-21 का बजट पेश किया गया, तो इस बजट में कौन से टैक्स इंपोज किया गया, कौन से टैक्स को एलिमिनेट किया गया, हटाया गया, ये सब इसमें जो है हम लोग पढ़ने का कार्य करना है। फिर जब आगे बढ़ेंगे तो फिर जो आएगा ये देखिए, फॉरेन सेक्टर्स, विदेशी क्षेत्र। अब देखिए इसमें क्या पढ़ेंगे,
फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड यानी विदेशी व्यापार नीति, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। फिर पढ़ेंगे क्या, इंडियाज फॉरेन ट्रेड, भारतीय या भारत की विदेशी व्यापार। अब देखना बाबू, ये भारत की विदेशी व्यापार का स्ट्रक्चर क्या है, कंपोजिशन क्या है, क्या स्थिति है, आयात निर्यात, ये सारी चीजें जो है आ जाएगा। और फॉरेन पॉलिसी में, ठीक, बहुत सारी पॉलिसी जो है इंप्लीमेंट होता है सरकार के द्वारा, वो सारी चीज पढ़ेंगे। फिर आएगा बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन, जितना भी आयात निर्यात वगैरह जो होता है एक सीट के द्वारा दिखाया जाता है, है ना। तो और भी चीजें उसमें, व्यापार से संबंधित एक पक्षीय जो है हस्तांतरण है, बहुत सारी चीजें जो सब जो है इंक्लूड होता है। तो भुगतान संतुलन डिटेल से पढ़ना है इसको। फिर पढ़ेंगे क्या यहां पे, फॉरेन सेक्टर्स में, इसमें पढ़ेंगे डिफरेंट पैक्ट या डिफरेंट इकोनॉमिक पैक्ट, यानी विभिन्न आर्थिक समझौता जैसे सेसा, सेपा, एफटीए, ये सब क्या है, ये जो आर्थिक जो समझौते हैं, ये जो वो उसको उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। फिर जब इससे आगे आएंगे तो फॉरेन सेक्टर्स विदेशी क्षेत्र में इकोनॉमी के अंदर फॉरेन रिजर्व भी पढ़ेंगे, फॉरेन रिजर्व भी पढ़ने का काम करेंगे। इसको दूसरे शब्द में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, विदेशी विनिमय कोष जो होता है, विदेशी विनिमय कोष, इसको ही पढ़ने का। तो ये जो टॉपिक नंबर 5 है, इसके अंतर्गत जो है हम लोग ट्रेड पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड का स्ट्रक्चर क्या है भारत का, आयात ज्यादा निर्यात, किन चीजों का आयात ज्यादा, किन चीजों का हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सारी चीज, कोई स्कीम है सरकार लॉन्च की है, इंप्लीमेंट की है। फिर देखेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट, फिर देखेंगे पैक्ट, फिर देखेंगे विदेशी, ये सारी चीजों को हम लोग देखने का कार्य किसमें करेंगे, ये सारे करेंगे टॉपिक नंबर 5 में। अब देखिए इसके बाद हम लोग देखेंगे टॉपिक नंबर 6। यहां से भी बहुत सारे सवाल आते हैं। सवाल क्या है, सवाल आएंगे आपके, जैसे टॉपिक है इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन। यहां पे बहुत बच्चे ध्यान नहीं देते, केवल करंट का पढ़ते हैं, करंट बहुत सवाल तो वहीं से आएंगे मैक्सिमम, लेकिन बैकग्राउंड के बारे में भी पता होना चाहिए। दोनों को कोरिलेट करके आते हैं सवाल, जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB, ये सब जो है आपको कहां पढ़ना है, इसे पढ़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इकोनॉमिक सेक्टर के लिए। अब देखिए ये ऐसा टॉपिक है जहां से सवाल आते हैं, और भी देखिएगा
आजकल दो ऐसे सेक्टर है जहां से भी सवाल आने लगे हैं, वह है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर। आपको पता होना चाहिए। अब देखिए 7 नंबर टॉपिक जो है, अब सवाल जो है एग्रीकल्चर के सेक्टर से भी आने लगे हैं। 2018 में आया जींस कि पिछले 5 वर्ष में सबसे अधिक किस जींस का आयात किया गया, खरीफ फसल से आया, लैंड रिफॉर्म से आया, तो इसका मतलब है। और ऐसे भी आता भी है, देखिएगा जैसे MSP चर्चा में रहता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसके बाद देखिएगा लैंड रिफॉर्म्स चर्चा में रहता है, क्योंकि जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, डेवलपमेंट होगा, तो लैंड एक्विजिशन होगा, भूमि अधिग्रहण होगा। आज जब भूमि अधिग्रहण होगा तो क्या होगा, लैंड रिफॉर्म्स हमेशा चर्चा में रहेगा। तो इसलिए भी जो है ये चर्चा में जो है स्वाभाविक है इसका रहना। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद इसके स्कीम आते हैं, प्रोग्राम, लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट, यानी सरकार के द्वारा जो स्कीम है, प्रोग्राम है, जो चलाए गए वो आते हैं। इसके बाद देखिएगा इसमें एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस बीमा, फिर देखिएगा एग्रीकल्चरल फाइनेंस वित्त आता है, कि पिछले 2018-19 के बजट में, 19-20 के बजट में सरकार ने इतना 1000 करोड़ रुपए आवंटन किया, या पिछले लगातार वर्षों से आवंटन की राशि में वृद्धि हो रही है। अभी बता रहे हैं, एक करंट का क्वेश्चन था 2019 में आया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक पिछले लगातार वर्षों से ज्यादा जो है लोन प्रोवाइड करवा रहा है। ऐसे ही आ जाएगा कि वो जो है जो एग्रीकल्चर सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर की अपेक्षा पब्लिक सेक्टर यानी सरकारी बैंक जो है ज्यादा लोन प्रोवाइड करवा रही है, ऐसे करके स्टेटमेंट आ सकता है। तो पता होना चाहिए कि कौन से सेक्टर्स में कहां से पैसा फ्लो हो रहा है, सरकार करवा रही है कितना। नाबार्ड के बारे में आप पढ़ते होंगे, जब आप फाइनेंस पढ़ोगे आइए इसमें क्वेश्चन भी आया, ये नाबार्ड क्या है। तो इस प्रकार से आपको फिर बहुत सारी कमिटी है और उसका रिकमेंडेशन है, कमिटी के रिकमेंडेशन और उसको कैसे माना गया, तो ये जो सारी चीजें हैं इसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो अब क्या है, पहले एक और चीज देख सकते हैं, जैसे एग्रीकल्चर एंड 5-year plan, इसको भी एक बार देखने की जरूरत है। पहले इन सब से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते थे, अब UPSC क्या है, अब वो सबसे क्वेश्चन पूछ रही है और सरकार भी जो है एग्रीकल्चर सेक्टर पे ध्यान दे रही है, तो आपको ये ध्यान देना है। इसके बाद देखिएगा टॉपिक नंबर 8, अब देखिए जैसे इंडस्ट्री है, पहले क्या था कि इंडस्ट्री सेक्टर से करंट पड़ते थे, नवरत्न क्या है, मिनी रत्न क्या है, करंट में कोई स्कीम चलाया गया, ये सब। अब क्या कर रहा है वो, और जैसे आप पढ़ सकते हो इंडस्ट्रियल पॉलिसी, यानी औद्योगिक नीति। अब पता है औद्योगिक नीति 1948, 56, 1991, ये सब नहीं पढ़ना, इसमें बेसिक चीज क्या अंतर 1948 से 56 में क्या हुआ, क्या था 91 में, वो सब नहीं पूछता है। वो जो पूछ रहा है वो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट पूछ रहा है, बहुत बेसिक। इसके बाद देखिएगा वो पूछ रहा है कमिटी एंड इट्स रिकमेंडेशंस, कमिटी और उसके सिफारिशें। सिफारिशें क्या है, कमिटी
बहुत सारी कमिटी है, वो क्या सिफारिश किया, तो बहुत सारे में सब नहीं पढ़ना, जो पांच छह जो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिएगा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक, स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री को भी आप ले सकते हो। इसके बाद इंडस्ट्रियल फाइनेंस वित्त, मैंने पहले ही बताया इकोनॉमी पढ़ने के साथ साथ हिंदी मीडियम के बच्चों को भी इंग्लिश में टर्म पता होना चाहिए। ये जो मैं इतना बताया, ये सारे जो है ये ट्रेडिशनल डायमेंशन के साथ इसमें करंट भी आएगा, लेकिन करंट अलग से देखेंगे हम लोग। उसके अलावा हमने पहला टॉपिक क्या बताया, बेसिक इंट्रोडक्शन, दूसरा इन्फ्लेशन, एक्सचेंज रेट, मनी एंड बैंकिंग, शेयर मार्केट, तीसरा फिर हम लोग बताए उसका सोशल एस्पेक्ट्स में अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एंड पॉपुलेशन, फिर बताया फाइनेंस, बजट एंड हम लोग टैक्सेशन की बात, सोशल सेक्टर्स की, वो एक्सटर्नल जो सेक्टर्स हैं फॉरेन ट्रेड वगैरह, बीओपी वगैरह, फिर ऑर्गेनाइजेशन पॉपुले, फिर बताए एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। ये जो इतना है, इतने आपको देखने से लग रहा है बहुत ज्यादा नहीं लगेगा वक्त, मुश्किल से 20 से 25 लेक्चर में आपका ये खत्म हो जाएगा, 25 के राउंड रहेगा। दूसरी बात ये है कि ये सब चीज पढ़ने के साथ साथ यूपीएससी जो है वो करेंट डायमेंशन इकोनॉमिक का जब तक आप नहीं देखोगे, जिन्हें यूपीपीसीएस देना होगा वो भी थोड़ा गौर करना। उत्तर प्रदेश सिविल सेवा में करेंट से ज्यादा आते हैं सवाल, लेकिन बेसिक सवाल जैसे पूछेगा जीएनपी क्या है, डिफ्लेशन क्या है, वो ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल जो पोर्शन है वो टर्मिनोलॉजी को लेगा, और करेंट वाले जितने भी स्कीम है, प्रोग्राम है, इंश्योरेंस, फाइनेंस, इस सेक्टर को वो जो है वो लेता है। अब करेंट में क्या पढ़ेंगे, इकोनॉमिक करेंट अफेयर में एक तो सबसे अधिक जो सवाल आएगा वो आप आएगा सर्वे और बजट से। सर्वे कभी भी आप पढ़ते हो तो दो सर्वे पढ़ने का काम करना है, जैसे मान लिया बजट पढ़ते हो 2020-21, कई बार 2020-21 के बजट के साथ साथ 2019-20 में कुछ स्कीम चला या प्रोग्राम, तो ये जो स्कीम है वो आईएस में आ गया तब तो ठीक है, नहीं आया तो ये इसको देखने का कार्य करें, और 2020 में तो इंपॉर्टेंट है ही। उसी तरह इकोनॉमिक सर्वे 2018-2019 देखें आप। दूसरा जो पोर्शन है इसका इंपॉर्टेंट वो है इंडिया ईयर बुक। इंडिया ईयर बुक का जितना भी इकोनॉमिक का जो है फाइनेंस है आंकड़े हैं, हालांकि सब कंप्लीट नहीं होते, एक बार देखने का कार्य करना चाहिए। इसके बाद देखिएगा रैंकिंग इंडाइसेस यानी सूचकांक, आपको जितने भी सूचकांक है रैंकिंग है वो भी यहां से आते हैं यूपीएससी में, ठीक है। रैंकिंग के बाद देखिएगा जो सवाल आएंगे आपको वो आएंगे रिपोर्ट, रिपोर्ट से भी सवाल आते हैं अच्छे खासे, और इसके बाद आएंगे रिपोर्ट के बाद जो सवाल आएगा आपका वो आएगा स्कीम से, स्कीम से प्रोग्राम्स। ये करंट है, चाहे वो रिपोर्ट के लेवल पे हो, रैंकिंग के लेवल पे हो, बजट, सर्वे, स्कीम, इससे कम से कम आप मिलाकर देख लो हर साल
कम से कम 8 से 10 सवाल आपको तो यहीं से होंगे, 8 से 10 सवाल होंगे आपको यहां से। ये था सिलेबस। अब हम लोग चर्चा करेंगे बहुत संक्षिप्त, क्योंकि पढ़ने के दौरान होगा कि पढ़े कैसे। तो आप यूपीएससी का क्वेश्चन देखिएगा, पढ़ने के दौरान आप करते क्या हो, एक तो आप नोट्स लेते हो, उसको पढ़ते हो और सोचते हो कि यहीं से आ जाएगा। सबसे बड़ी गलती, आप एक डेली जो है न्यूज़पेपर पढ़ो। अब आप बोलोगे सर ये न्यूज़पेपर डेली, तो न्यूज़पेपर में जब पढ़ते हैं तो इकोनॉमिक टर्म नहीं समझ में आता। जब रेगुलर पढ़ोगे उसको क्या करो, नोट कर लो पेपर से। जैसे जैसे पढ़ाते जाएंगे वो आप पढ़ते जाओ, समझ में आता जाएगा। और बहुत सारे टर्म्स का तो वहां पे जो है क्लेरिफिकेशन होता है, वो समझा देता है ब्रैकेट में। तो आपके एक चाहे हिंदू का, जो हिंदू का पेज है, बिजनेस पेज, या दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण, आप यहां से इस चीज को ले सकते हो। इसके बाद देखिए, न्यूज़पेपर मैंने बारे बताया, बहुत जरूरी है पढ़ना डेली न्यूज़पेपर, इकोनॉमी पढ़ो। सरकार ने, प्रधानमंत्री ने क्या कहा, निर्मला सीतारमण ने, कोई फाइनेंस मिनिस्टर है, कोई कॉमर्स मिनिस्टर है, विभिन्न जो मिनिस्ट्रियल रिपोर्ट के कोई आ रहा है, क्या कह रहा है उसमें, तो इस आरबीआई के गवर्नर का क्या है कहना। तो इस टाइप से आप उस चीज, आपको जो मिलेगा करेंट उसको समझो, पढ़ो, लिखो। जैसे जैसे समझोगे टर्मिनोलॉजी अपने आप समझ में आएगा और फिर इंटरेस्ट पैदा होगा। देखो इकोनॉमी केवल टीचर के पढ़ाने से नहीं होगा, आपको इंटरेस्ट पैदा करना है, ये डेली लाइफ का चीज है। और जब इंटरेस्ट पैदा होगा तो अभी क्या होता है, आप इकोनॉमी पढ़ लो क्लास में, अपने से ही पढ़ लो, और जब जाते हो तो सवाल प्रीवियस साल के नहीं बनते। कारण क्या है, वो अप्लाइड होते हैं, और अप्लाइड चीज के लिए क्या है, आपको अप्लाइड होना होगा। दूसरा जो कुछ जो चीजें हैं जो आपको ध्यान देना है, कई बच्चे कहते हैं सर बुक कौन सा पढ़े, तो एक तो क्या है एनसीईआरटी आप देख सकते हो, न्यू वाली, देखो ओल्ड या न्यू, न्यू वाली एनसीईआरटी से बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो। इकोनॉमिक थोड़ा अपडेट रहता है ना। मैक्रो इकोनॉमी जो है, मैक्रो इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमी के अंतर्गत आपका बृहत रूप से अध्ययन करना पड़ता है, जैसे नेशनल इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, बजट, टैक्सेशन, ये सब पढ़ना पड़ता है। और माइक्रो के अंतर्गत इंडिविजुअल स्तर पे, ये होलिस्टिक स्तर पर पढ़ना पड़ता है, राष्ट्रीय स्तर पे। और जो माइक्रो मतलब सूक्ष्म, ये क्या होता है इंडिविजुअल स्तर पे, तो उससे भी सवाल आएंगे, लेकिन वो मैं हेल्प कर दूंगा, है ना। और उसमें कुछ चैप्टर में जो है एनसीईआरटी का निचोड़ जो है, जब मैं बेसिक इकोनॉमी पढ़ाऊंगा तो वहां पे माइक्रो का निचोड़ बता दूंगा। माइक्रो आप ले लो, पढ़ना पड़ेगा, एक बुक होनी चाहिए आपके पास। ये है डेली न्यूज़पेपर, और ये है, ये मेरा मानना है न्यूज़पेपर आप पूरा पढ़ो डेली तो आपके मैक्सिमम इकोनॉमिक सेक्टर जो है, जो सेक्शन है, वो साल भर में ऐसे ही तैयार हो जाएगा। इसके बाद बजट और सर्वे, वो तो करेंट में पढ़ोगे ही। अब आई बात पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, अब बता रहे हैं कैसे। देखिए केवल बताने से रणनीति नहीं बनता, कि मैं बता दिया कि ऐसे पढ़ो ऐसे पढ़ो, बहुत लोग मिलेंगे बताने वाले। बताने के साथ साथ होता है इंप्लीमेंटेशन कैसे हुआ, आपने कहां तक प्रयास किया।
हमने कुछ नहीं बताया, केवल ये बताया आपको कि इकोनॉमी के लिए एक बुक एनसीईआरटी का मैक्रो और दूसरा न्यूज़पेपर, बस। अब देखिए आपने पेपर में क्या पढ़ा, हम जो शुरू करेंगे सबसे पहले वो शुरू करेंगे थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक से, और वो करेंगे हम लोग जो फर्स्ट जो लेक्चर होगा इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन से, ठीक है। और अब देखना कैसे आपको समझ विकसित होती है। जैसे मान लिया जाए आईएएस का सवाल देखिए, अगर वो जीडीपी पूछ रहा है तो आईएएस ने एक बार पूछा कि जीडीपी क्या है, आप गौर करना उसका ऑप्शंस देखो, जो चार ऑप्शन है उसमें से दो ऑप्शन ऐसा है जो आपको लगेगा कि यही है और यही है। आसान नहीं था, कॉन्सेप्ट होना चाहिए। एक बार सवाल पूछा कि पिछले 5 वर्षों में जीडीपी में लगातार वृद्धि हुई, शुद्ध जीडीपी में वृद्धि हुई, तो 5 साल 10 साल एक दशक ऐसे पूछ रहा है सवाल। तो आपको जब तक यह नहीं पता हो डाटा कि पिछले 5 साल, डाटा रटने की जरूरत नहीं है कि पिछले 5 साल में वृद्धि हुई या वृद्धि नहीं। आप देखना, अभी थोड़ी देर पहले बताया डाटा का इस्तेमाल कैसे किया जाए, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, इन्फ्लेशन में, कि पिछले 5 साल 5 या पिछले 2 तिमाही में, पिछले 5 साल में, या पिछले जो है 4 तिमाही में क्या हुआ भाई, तो जो होलसेल प्राइस इंडेक्स था उसमें लगातार कमी आई है, वृद्धि हुई है, कैसे जानोगे आप? इस पे काम करना होगा आपको। आपको सवाल दे देगा क्या कि पिछले एक दशक से या पिछले 5 वर्षों से जो खाद्यान्न है उसके निर्यात में कमी आई है या आयात में वृद्धि आई है, ये क्या है? ये डाटा तो है लेकिन वो डाटा पूछ नहीं रहा है, वो होलिस्टिक ये जानने का प्रयास कर रहा है कि आपकी ये जो डाटा है उस पर समझ विकसित है या नहीं। तो एक सवाल तो आपको ऐसे आएंगे, ये है स्ट्रेटजी कि डाटा का कैसे यूज करना है। आप इकोनॉमिक सर्वे बजट देखना, उसमें लिखा होगा जब बजट में या इकोनॉमिक सर्वे में जब वित्त मंत्री बोलते हैं तो आप गौर करना, वो बोलते हैं कि पिछले इतने दशक से, पिछले इतने वर्षों से, उसको ध्यान से पढ़ना है। दूसरा ये देखना है कि सरकार ने जो स्कीम चलाया है या प्रोग्राम, तो एक तो दो भाग में है, एक तो न्यू और दूसरा ओल्ड, यानी आप कह सकते हो ट्रेडिशनल। कैसे पढ़ना, क्या कई बार बच्चे बोलते हैं सर क्या ये पूरे जो है ट्रेडिशनल पढ़ ले? नहीं, सीमाएं हैं हमारी और आपकी सबकी। ट्रेडिशनल में उसको पढ़ने का प्रयास कीजिए जो चर्चा का केंद्र रहा है, जो किसी न किसी कारण चर्चा में रहा है। हाँ इतना तो है कि पिछले 2 साल 3 साल में जो स्कीम है उसको पढ़ना पड़ेगा, मेजर सब नहीं, और विशेषकर उन स्कीम को जो चर्चा में रहे। और न्यू स्कीम्स कहां से पढ़े, तो न्यू स्कीम जो बजट में चर्चा में रहा, इकोनॉमिक सर्वे में, या किसी कारणवश चर्चा में रहा साल में, उसे देखना है आपको। तीसरा चीज जो सबसे ज्यादा जो ध्यान देना है वो यह देना है कि आप जब पढ़ते हो इकोनॉमी को तो आप उदाहरण देकर एक समझ विकसित करो। आप कई बार क्या होते हैं, रट लेते हो। आप जब रट लोगे तो क्या होगा, आप रटोगे तो थोड़ी देर के लिए याद होगा, बाद में जब उसके स्टेटमेंट आएंगे तो भूल जाएंगे। उसके व्यवहार अप्लाइड स्तर पे करो। जैसे बता रहे हैं, एक चीज होता है आप पढ़ते हो डिमांड और सप्लाई, हर चीज को मैं उदाहरण से समझा दूंगा।
जैसे मान लिया जाए आपकी शादी हो गई, तो देखना जब शादी होता है तो आप कई बच्चे ऐसे हैं, शादी का हालांकि बच्चे नहीं रहते हो, ससुराल बहुत जाते हैं। अब मान ली किसी के पास में ससुराल होगा, ससुराल समझते ही होंगे, सुन के भी थोड़ा सा लग रहा होगा कुछ है, तो ससुराल बहुत जाएगा, इसका मतलब क्या है? उसका सप्लाई क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। अब जरा बताओ, जिस चीज का सप्लाई ज्यादा, तुम हमेशा ससुराल जाओ साल में 3 बार 4 बार, तो मतलब बेटे की तरह हो जाते हो, सब्जी ले आना और कैसे हैं। तो जब सप्लाई ज्यादा होगा तो क्या होगा? डिमांड कम जाएगा कि नहीं? सप्लाई ज्यादा डिमांड कम, तो आपकी वहां वैल्यू भी क्या होगी? वैल्यू कमेंगे कि नहीं? सपोज कर लो कोई ऐसा है जो बहुत कम जाता है साल में 2 साल में, यानी सप्लाई कम। अब जब कभी कभी जाएगा तो उसको देखना डिमांड बहुत अच्छा, पकवान मिलेगा, अच्छे पैसे भी मिलते आते समय, कपड़े भी मिलते हैं, यानी डिमांड ज्यादा, और डिमांड ज्यादा तो वैल्यू भी ज्यादा। तो आप जब पढ़ो इन चीजों को तो बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से, उदाहरण के साथ, एग्जाम्पल के साथ, अप्लाइड एक एक चीज को अप्लाइड पोर्शन के साथ पढ़ने का काम करेंगे हम लोग। तो मैंने आपको ये जो टॉपिक है ये बताया और हम लोग कैसे पढ़ेंगे। एक और चीज है जो आपको फोकस करने की जरूरत है, वो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन 2010 से 19 तक, क्योंकि 2010 में 40 प्लस क्वेश्चन पूछा इकोनॉमिक्स, और इससे बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं, एक स्टैंडर्ड प्रश्न है, और 11 से तो नई ट्रेंड आ ही गया। तो मैं यह बताने का प्रयास कर रहा हूं आपको कि ये जो टॉपिक है सारे, इन सारे टॉपिक को, डाटा को कैसे यूज करना है, स्कीम को कैसे पढ़ना है, कैसे अप्लाइड पोर्शन होकर पढ़ना है, और कैसे प्रीवियस साल के क्वेश्चन को देखना है, तो ये सारे चीजों को बहुत ही सहजता से, आसानी से हम लोग देखने का प्रयास करें। मेरा तो बहुत मन था कि मैं पहले ही लेक्चर से पढ़ाना शुरू कर दूं, लेकिन बहुत सारे बच्चे बोले कि सर एक बार प्लीज हमें बताइए कि क्या कैसे पढ़ना है। तो मैंने बोला कि कोई विशेष नहीं है, चीजें बहुत ही सरल है, और इसको हम लोग देखने का काम करेंगे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे, और ये 25 लेक्चर में खत्म हो जाएगा बहुत बहुत सहजता से, ठीक है? आप लोग का धन्यवाद।